उनके अंदर हमने अगर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पैदा कर दी अच्छे बुरे की तमीज़ हमने छोटे बच्चों में पैदा कर दी तो वो तमाम उम्र एक अच्छे और एथिकल इंसान बनेंगे और वो मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे बड़े हो के जाके आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ पैदा नहीं हो सकती अगर आपने बचपन में कुछ ऐसा सीख लिया है कि आप दूसरों को हट करके खुश होते हैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके खुश होते हैं झूठ बोलते हैं चोरी चकारी करते हैं तो फिर बड़े हो के आपकी असलाह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको बताएं कि अर्ली चाइल्डहुड में ही मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को सिखाया जा सकता है मॉरल वैल्यूज़ होती क्या है मॉरल वैल्यूज़ ये हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं इनमें दुरुस्त का और गलत का इंतखाब करना और ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे या हमारी अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा ले पहुंचाएं ये सब मॉरल वैल्यूज़ है हमें देखना है कि हमारे बच्चे माशरे के नॉर्म्स को मज़हब के असूलों को इंसानियत की जो अकदार हैं उनको सीखें और ये सब हमने बहुत बचपन में उनको सिखाना है सो so, अब देखिए जैसे ईमानदारी है सच है ट्रूथ है ऑल्ट्रूज़म है दूसरों की मदद करना है और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है हेल्प आउट करना जाके किसी की अपने Uh, कुर्बानी दे के दूसरे की जाके मदद करना ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने बचपन से ही उनके अंदर इनकलकेट कर देनी है और कैसे करनी है ये हम इसमें भी और अगले मॉड्यूल्स में भी आपको तफसील के साथ बताएंगे ये बहुत अहम मौजू है इसको गौर से सुनिए इट बिल्ड्स देयर कैरेक्टर हम क्यों सिखा रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ देखिए उनका एक किरदार साजी का जो प्रोसेस है वो यहीं बचपन से शुरू होना है वो बावकार हों वो अच्छे और बुरे की तमीज़ रखते हों वो हक और बातिल के अंदर पहचान रखते हों वो लोगों के साथ डील करना जानते हों कि नुकसान नहीं पहुँचाना इंसानियत को बल्कि लोगों की मदद करनी है अपनी ज़ात पर दूसरों की ज़ात को तरजीह देनी है और सच बोलें डेडिकेटेड हों मेहनती हों ये सारी किरदारी सलाहियतें हैं और ये बग़ैर मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट किए मुमकिन नहीं है इट हेल्प्स देम टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग यही वो रास्ता है जिसमें वो सच और झूठ का सही और गलत का फैसला करना सीखेंगे ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो अपने लिए दुरुस्त रास्ते का इंतख्य करें इट चेंजेस देयर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए जो उनकी परसेप्शन है वो बदल जाती है उनको अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आता है उनको पता चलता है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयाँ ये वो सारी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमने आज से पैदा करनी है कि इंसानियत में किसी एक इंसान का मकसद पैदा होने का ये है कि वो दूसरों को हेल्प आउट करे इंसानियत की खिदमत करे किसी का कहीं ना कहीं वो फ़ायदा करें और नुक, नुकसान पहुंचाना हकारत से देखना जुल्म करना दूसरों का हक छीनना ये तो बड़े दूर की बात है बल्कि चाहिए ये कि हम उनको यह सिखाएं कि कैसे आपने अपनी जात को पीछे रख के दूसरों की जात को तरजीह देनी है दूसरों का फ़ायदा करना है उनका भला करना है ये सारी किरदारी सलाहियतें तभी पैदा हो सकती हैं जब हम इब्तदा ही से बच्चों की तरबियत में अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा कर देंगे और उनको सिखाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है या इससे कहीं कोई और अच्छी बात है जो उनके अंदर बड़ी अच्छी तब्दीली ला सकती है